प्यारे भक्तों, हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उत्तर भारत में विशेष रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। घर घर में झूले पड़ते हैं, नारियों के समूह गा गाकर झूला झूलती है। सावन में अच्छे अच्छे पकवान, गुजिया, घेवर, फैनी आदि का बेटियों को सिंघारा भेजा जाता है। बायना निकालकर सासू को दिया जाता है। इस तीज पर मेहंदी लगाने का विशेष महत्व है। स्त्रियां हाथों पर मेहंदी से भिन्न भिन्न प्रकार के बेल बूटे बनवाती हैं। तीज पर मेहंदी रचाने की कलात्मक निधियां परंपरा सदियों से प्रसिद्ध है। स्त्रियां पैरों में आलता भी लगाती हैं, जो सुहाग का चिन्ह माना जाता है। कहते हैं इस त्योहार पर अधिकांश लड़कियां मायके बुला ली जाती हैं, और जिस लड़की की इस पर शादी होती है उसके ससुराल से इस अवसर पर सिंघारा भेजा जाता है, और मायके से सास की साड़ी, रुपए, दामाद का टीका, कपड़े, फूल, मिठाई आदि भेजे जाते हैं। अगले वर्ष से मायके से ही प्रतिवर्ष सिंघारा लड़की की ससुराल भेजा जाता है। इस दिन राजस्थान में माता पार्वती की सवारी निकाली जाती है। शिव गौरा की पूजा का इस दिन विशेष महत्व है। भक्तों,
से जो बन गई है सास। शादी के पहले वर्ष में लड़की मायके जाए, ससुराल पक्ष से उसके सिंधारा है आए। सारे रीति रिवाज विधि से निभाए जाते हैं। इस पावन त्योहार का महत्व बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ताली तीज है आई, संग में खुशियां लाई। सूट लड़की का भाई बहनों के कपड़े आते, बिंदी चूड़ी सिंदूर मेहंदी सब श्रृंगार है लाते। घेवर फैनी फल मिष्ठान भर भर के आते, मायके वाले भी ससुराल का पूरा मान पुगाते। रीति रिवाजों के साथ मेल जोल बढ़ाते पावन त्योहार का महत्व बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ताली तीज है आई, संग में खुशियां लाई। हरियाली तीज है आई, संग में खुशियां लाई। चाव ही न्यारा होता, ब्याही लड़की के लिए ये दिन सबसे प्यारा होता। ससुराल से आए सामान का रखती बड़ा ही ख्याल, रस्सी पटड़ी लेकर झूला लेती है वो डाल। हंसी ठिठोली करती सहेली हंसते हंसाते हैं। इस पावन त्योहार का महत्व बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ताली तीज है आई, संग में खुशियां लाई। हरियाली तीज है आई, संग में खुशियां लाई। के महीने में मस्ती सब पर ही छाए, झूला देख के सबका ही मन मचला जाए। सावन के गीत सुहाने गाती है सारी, क्या बूढ़ी क्या ब्याही बहनों और क्या कवारी। महिलाओं के लिए त्योहार तो खुशियां लाते इस पावन त्योहार का महत्व बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ताली तीज है आई, संग में खुशियां लाई। हरियाली तीज है आई, संग में खुशियां लाई। महिलाएं करती है इस दिन खूब श्रृंगार, हाथों में चूड़ी पैरों में पायल और गले में हार। मांग में सिंदूर भरा माथे बिंदिया चमके, ओढ़ पहन के जब वो
तौर से हरे हरे परिधान पहने जाते, होके इकट्ठे इस दिन सभी झूला झूलने जाते। हरी भरी है प्रकृति होती छाई रहे हरियाली, सारे दुखड़े भूल के सभी हो जाते मतवाली। गिले और शिकवे भी इस दिन भुला दिए जाते हैं, भुला दिए जाते हैं। इस पावन त्योहार का महत्व बताते हैं हम कथा सुनाते हैं। ताली तीज है आई संग में खुशियां लाई, हरियाली तीज है आई संग में खुशियां लाई। इस दिन कई जगह पर गौरी जी की पूजा होती, सदा सुहागन रहने की है मन्नत मांगी जाती। सच्चे मन से जो भी जपता शिव गौरी का नाम, मैया रानी कर देती है उसका तो कल्याण। सच्चे मन से करी दुआ के फल तो आते हैं, हाँ जल्दी आते हैं। इस पावन त्योहार का महत्व बताते हैं हम कथा सुनाते हैं। ताली तीज है आई संग में खुशियां लाई, हरियाली तीज है आई संग में खुशियां लाई। हमारा प्यारा देश तो है त्योहारों का देश, हर त्योहार ही देता है हमें प्रेम का संदेश। त्योहारों के बहाने रिश्ते अच्छे निभ जाते, जीवन में हर्ष उल्लास लेकर है आते। त्योहार ही तो धर्म में आस्था जगाते, पावन त्योहार का महत्व बताते हैं हम कथा सुनाते हैं। इस पावन त्योहार का महत्व बताते हैं हम कथा सुनाते हैं। जीवन में खुशियां लाए तीज का त्योहार, बना रहे सदा आप पर माँ गौरा का प्यार। मीनाक्षी कुंडू मन से करती है यही कामना, कभी दुखों से आपका ना हो सामना। सब पर खुशियां